तो आज टाइम आ चुका है नई KTM Duke 390 को चलाने का और देखने का बाइक कैसी है कैसी नहीं है। इस बाइक में आपको क्या चीजें बेहतर देखने को मिल जाती है पहले से, और क्या चीजें ऐसी जो पहले से बेहतर, मतलब पहले से थोड़ी कम अच्छी लग रही है मुझे बाइक के अंदर, ओवरऑल बाइक चलने में कैसी लग रही है, क्या कमी लग रही है, क्या अच्छा लग रहा है, हर चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। बिल्ड क्वालिटी के बारे में, फिटनेस के बारे में सब कुछ बात करेंगे, सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। वीडियो में शुरुआत करते साथ ही आपको बताना चाहूँगा, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर विजयन, पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। कुछ इस तरह की आपको न्यू की देखने को मिल जाती है। इसका जो ये प्लास्टिक का है ना पीछे का, ये बहुत सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी। KTM व्हाइट कलर लिखा गया, आई थिंक ऑरेंज में ज़्यादा शूट करता है, बट ठीक है, व्हाइट भी KTM ऑरेंज कलर ज़्यादा शूट करता है। और वेव की आपको देखने को मिल जाती है, इतनी इसमें लगाते हैं, ऑन करते हैं और कहीं ना कहीं बाइक ओवरऑल देखने में बहुत ही प्रीमियम भी लग रही है, पहले से बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफर करती है। और इसका साउंड सुनना आप एक बार, इसके अंदर एक छोटा सा रबड़ भी है जिसकी वजह से पानी वगैरह इसके अंदर नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा रबड़ है ना इसको कवर कर लेता है, तो अच्छी चीज़ है और क्वालिटी नो डाउट बहुत ही अच्छी है इस चीज़ की। अभी थोड़ा फ्रंट से बात करते हैं, फ्रंट से या फिर आगे से शुरुआत करना शुभ माना जाता है ना, तो आगे से ही करते हैं। बेचारी सुपर ड्यूक जैसी लगती है ना अभी, इस वजह से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी भी लगती है साइज में, पहले से काफ़ी बड़ी लग रही है बाइक। और यहाँ पर आपको LED DRL देखने को मिल जाती है, दो पैटर्न के अंदर है ये, उसके अलावा LED हेडलाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसका थ्रो कैसा है वो तो हम टेस्ट नहीं कर पाए रात में, लेकिन क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ, हेडलाइट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ है, बट DRL है इनकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब ठीक है, अच्छी लग रही है बाइक, लेकिन पता है देख ये ना ऐसे करता है, जैसे थ्रोटल देते हैं ना तो हल्का हल्का सा वाइब्रेशन इनके अंदर आता है, इसको थोड़ा सा और स्टडी होना चाहिए था, जो कि मेरे को लग रहा है कि ये अच्छा पॉइंट नहीं है, बट थोड़ा सा और स्टडी होता तो अच्छा होता कि अब तो मेरी बाइक में ये वाला थोड़ा कम कर रहा है, बट ये वाला बहुत ज़्यादा कर रहा है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपको 43mm के USD फोक्स देखने को मिल जाते हैं WP की साइड से, और ये एडजस्टेबल है, जो कि पहले एडजस्टेबल नहीं हुआ करते थे, अभी एडजस्टेबल, आप रिवाउंड एंड कंप्रेशन दोनों साइड से एडजस्ट कर सकते हो। सस्पेंशन की क्वालिटी नो डाउट बहुत ही बढ़िया, सुपीरियर टाइप की सस्पेंशन है, और चलाने में कॉन्फिडेंस भी आता है, मज़ा आ जाता है, सीरियसली बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको प्लास्टिक का मड गार्ड देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा सिंपल डिज़ाइन का लगता है, बट इसके डिज़ाइन को सूट करता है बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर आपको 320mm का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बाइब्री का 4-piston रेडियल कैलिपर आपको देखने को मिल जाता है, मेटजेलर के M5 सीरीज के टायर देखने को मिल जाते हैं, टायर हमेशा से यही है इस बाइक में, और नो डाउट बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं इस बाइक के साथ, इस बाइक के साथ मैच भी करते हैं यार, खतरनाक, इसकी पहचान बन गई ये टायर। इसके अलावा रियर सेक्शन की बात करी जाए तो टायर वही मेटजेलर M5 है, साइज 150/60/17 और फ्रंट में था 110/70/17, वो हिंदी इंग्लिश हो जाता है, ऐसे ट्यूनिंग का फर्क पड़ता है, तो कंफ्यूज मत होना, कभी हिंदी कभी इंग्लिश ऐसे निकलती है भाई। इसके अलावा यहाँ पर आपको 240mm का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, पहले 230mm हुआ करता है, तो 10mm डिस्प्ले का साइज बढ़ चुका है। वाइब्रेकर सिंगल पिस्टन कैलिपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, 12-channel ABS बाइक के अंदर, और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑफ और ऑन भी कर सकते हो, लॉन्च कंट्रोल भी बाइक के अंदर। अब राइड क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले मैं क्लच और ब्रेक की बताऊंगा आपको भाई, क्लच बहुत ही स्मूथ है यार बाइक की, मज़ा आ रहा है, मतलब मैं बहुत देर से ट्रैफिक में चल रहा हूँ और मतलब ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा है कि मतलब क्लच में हल्की सी हार्डनेस है कहीं पर, बहुत ही स्मूथ क्लच है। और ब्रेकिंग तो इतनी शार्प है बाइक की यार, क्या ही बताऊँ, रिस्पॉन्स जो है ना ब्रेकिंग का, मज़ा आ जाता है, मतलब ब्रेकिंग बाइट जो फील होती है आपको, हल्का सा टैप किया वहीं पर आपको एक ज़बरदस्त बाइट फील होगी ब्रेकिंग की, और ऐसा नहीं हो डराती भी नहीं है, बहुत स्मूथ तरीके से चलता है। और इस बाइक में आपको कॉर्नरिंग ABS मिल जाता है, तो कॉर्नर के ऊपर आप ब्रेक वगैरह दबाते हो तो वहाँ पर भी ABS प्रॉपर तरीके से काम करता है, और मज़ा आता है, ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस देती है, कहीं से भी आपको डराती नहीं है ब्रेकिंग, बस डराती तो एक चीज़ है इस बाइक की, वो है पावर, जो आप इसमें हार्ड एक्सलेट करते हो ना भाई, उस टाइम मज़ा आ जाता है, उस टाइम डरा देती है आपको, लेकिन थोड़े दिनों में आपको हैबिट हो जाएगी। अगर आप कोई छोटी बाइक से अपग्रेड कर रहे हो इस बाइक के ऊपर, तो शुरुआत में ज़रूर डर लगेगा थ्रोटल से, बट कोई नहीं, अब 390 ले रहे हो तो थ्रोटल से क्या डरना भाई, इसकी तो आदत पकड़ डालनी पड़ेगी ना। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इंडियन रोड के हिसाब से अब ये बाइक और परफेक्ट होगी, पहले 151mm हुआ करता था, अभी 183mm, बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ चुका है। और व्हील बेस में भी फर्क आ गया, पहले 1357mm था, अभी 1354mm का 3mm व्हील बेस कम हुआ है। और एक बड़ा चेंज आया सीट हाइट को लेकर, पहले इस बाइक में मिलती थी आपको 823mm की सीट हाइट, और अभी मिलती है 800mm की सीट हाइट, 23mm सीट हाइट कम हो गई है, और बैठने में नो डाउट बहुत ही बढ़िया। अगर आप 852, 5, 3, 5, 4 भी है
तो मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत इजी टू यूज़ हो गई बाइक, अभी आप आराम से हैंडल कर सकते हो, मज़ा आ जाएगा। बस पावर को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए लॉन्च कंट्रोल दे दिया है कंपनी ने, अगर आप कोई छोटी बाइक से शिफ्ट करते हो उस टाइम। और कंपनी ने बाइक के वेट में भी कटौती कर दी है, यहाँ पर अब आपको 4 kg वेट कम मिलता है, पहले 172 kg हुआ करता था, अभी 168 kg है। बाइक थोड़ी लाइट वेट फील भी होती पहले से। और सीट की कुशनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये सीट देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है, जो टेक्स्चर है वो भी अच्छा दिया गया। और एक यहाँ पर आपने देखा होगा इंटरनेशनल वेरिएंट में एक ऑरेंज कलर की एक एलिमेंट्स डिज़ाइन एलिमेंट्स दिया गया जिसका फोटो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, वो एलिमेंट्स आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। उसका रीज़न मैंने पूछा कंपनी से, तो वो बोले कि सीट हाइट को कम करने के लिए हमने ऐसा किया, 20 mm सीट हाइट उससे कम हुई है, जो इंडियन मार्केट के हिसाब से अच्छा है। पिलियन सीट की बात करी जाए तो ये भी अच्छी है, बट जो राइडर वाली सीट है ना वो मुझे थोड़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, बट ये भी अच्छी है। पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल है, पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है भाई पिलियन सीट भी, नो डाउट, इसके लिए तो कहना पड़ेगा सीट पहले से कंफर्टेबल हो गई है भाई। और यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का एलिमेंट्स दिया गया डिजाइन को थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए दोनों सीट के बीच में, कैमरा पास लाके दिखा यहाँ पर। और यहाँ पर एक रबड़ भी दिया गया है, अब ये रबड़ शायद ग्रिप वगैरह को बेटर बनाने के लिए, बट मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी ग्रिप बेटर बनती है। और बाइक की अगर राइडिंग पोजीशन की बात करें ना, तो भाई वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट सीधे बैठ जाते हो ऐसे और आपको बहुत बोरियत फील होगी, वो ना थोड़ा बोरिंग फील होता है देखो पर्सनली मुझे, तो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं आपको बहुत ज़्यादा ऐसे झुकना पड़ रहा जा रहा है बाइक के ऊपर, नहीं, आप हल्का सा थोड़ा आगे लीन रहते हो, मतलब हल्का सा थोड़ा आगे झुके रहते हो। अगर आपको स्ट्रेट बैठना है तो आप थोड़ा ऐसे स्ट्रेट भी बैठ सकते हो, आपको अगर थोड़ा सा आराम करना है और आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा स्ट्रेट बैठना है, बट नॉर्मली मुझे लगता नहीं कि आपको जरूरत पड़ेगी बिल्कुल स्ट्रेट बैठने की, क्योंकि जो बाइक की राइडिंग पोजीशन है ना उसमें आप नॉर्मली ऐसे स्ट्रेट ही रहते हो, हल्का सा आगे झुका होता है, उससे होता है क्या कि आपको एक स्पोर्टी स्टांस मिलता है बाइक के ऊपर, और मिलना भी चाहिए भाई, क्योंकि वो नहीं मिलेगा तो आपको ऐसा बोरियत सा फील होगा इस बाइक के ऊपर, मज़ा नहीं आएगा, वो किसी भी बाइक के ऊपर बोरिंग सा फील होगा ऐसे सीधा से बैठे जैसे क्रूजर बाइक बैठे रहते हैं, तो वो चीज़ है, तो मुझे बहुत पसंद आया। और अब आपको पहले से बड़ा फ्यूल टैंक मिल जाता है, 13.5 लीटर का था पहले, अभी 15 लीटर का फ्यूल टैंक है, मेटल का है पूरा, ऊपर से साइड में से ये प्लास्टिक की या फिर प्लास्टिक के पैनल्स आपको देखने मिल जाते हैं, इनका साइज भी पहले से बहुत बड़ा है और ये पहले से ज़्यादा एरोडायनामिक हो चुकी है। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने आपको शुरुआत वाले वॉकराउंड मिस किया था, कि यहाँ पर इनका डिज़ाइन ना कुछ ऐसा रखा है, स्पीड में जब बाइक चलाओगे ना, स्पीड के अंदर क्या होगा कि हवा की वजह से बाइक रोड के ऊपर ज़्यादा दबाव बनाएगी, जिसकी वजह से ये काम ही इस वजह से आते हैं ना, तो बाइक ज़्यादा स्टेबल रहेगी स्पीड के अंदर पहले से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये डिज़ाइन मुझे बहुत बढ़िया लगा वैसे देखने में, डिज़ाइन के ऊपर जितना ध्यान दिया है ना बाइक KTM वालों ने, खतरनाक ही लग रही है बाइक देखने में। यहाँ पर एक टेक्सचर है जिसके ऊपर हाथ ऐसे रखने में रगड़ने में मज़ा आता है, हाथों में लग रहा है तो उतार सकते हो ब्रेक माल का काम कर रहा है, लेकिन मस्त है यार। और बाइक के रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने मिल जाता है WP के साइड से, और यहाँ पर एडजस्ट करने का ऑप्शन भी, आप सॉफ्ट या हार्ड कर सकते हो यहाँ से, और ये साइड माउंटेड है आप देख सकते हो थोड़ा सा इस साइड से। और इंजन की बात करें तो बाइक के अंदर अब आपको 399cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOHC इंजन देखने मिल जाता है, 6 स्पीड गियरबॉक्स स्लीपर क्लच। उसके अलावा यहाँ पर आपको पावर फिगर की थोड़ी सी बताना चाहूँगा, थोड़ा सा समझना मेरी बात को, पहले जो बाइक थी वो एक तो सीसी कम थी, पावर कम थी, 43 PS की पावर निकालती थी, लेकिन वो निकालती थी 9000 RPM पर, ये निकालती है 8500 RPM पर, मतलब अब आपको कम RPM पर ही ज़्यादा पावर फील होने लग जाएगी, और 80% पावर लगभग इस बाइक की 5000 RPM से स्टार्ट हो जाती है उसके आसपास में, तो पावर नो डाउट आपको कम थ्रोटल पर भी, कम RPM पर भी आपको पहले से काफ़ी बेटर फील होने वाली है। पावर तो ऐसे बढ़ी चुकी है 46 PS और 39 Nm का टॉर्क है, टॉर्क भी आपको लगभग पहले से कम RPM मिल जाता है, पहले मैक्स टॉर्क निकालती थी 7000 RPM पर, अभी निकालती है 6500 RPM पर, तो पावर के मामले में या फिर टॉर्क के मामले में बाइक पहले से बेटर भी हुई है और कम RPM पर भी निकालती है, जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल बनाती है इस बाइक को। पावर कमाल के भाई, गजब पावर है, मजा आ गया, बहुत देर बाद आप थ्रोटल देने का मौका मिला है मुझे, सीरियसली यार क्या मजा आ गया। वो वाइब्रेशन की बात करें ना, तो अगर आप 100-120 तक चलते हो तो वहाँ पर 6th gear में कोई खास वाइब्रेशन वहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आप हार्ड ड्राइव करते हो बाइक को, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सलेट करते हो, तो वहाँ पर आपको वाइब्रेशन फील होती है थोड़ी, हैंडल बार के ऊपर भी होती है और फुटरेस्ट के ऊपर भी होती है, मतलब हल्की हल्की यहाँ पर भी होती है जहाँ पर अपने पैर टंगे के बटी मतलब टच होते हैं ना हार्ड एक्सलेट करने पर, और अगर आप टॉप एंड में चलाते हो तो वहाँ भी वाइब्रेशन हल्की हल्की फील होगी, बट अगर आप 100-120 के आसपास नॉर्मल चल रहे हो ना, क्रूज कर रहे हो बाइक को 100-120, तो वहाँ तो कोई वाइब्रेशन नहीं है वहाँ तो भाई। और जब मैं इस बाइक को 150+ लेके जा रहा था उस टाइम, 150 तक तो बहुत ही मस्त लगती है बाइक, बहुत ही स्टेबल लगती है, लेकिन 150 के बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इशू आया, मतलब थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस मेरा कम पड़ा, आई थिंक वो थोड़ा फ़र्क हो सकता है कि अब तो मुझे डर लग रहा हो रोड की वजह से या फिर क्या नहीं, बट मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ हर चीज़, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइक का व्हील बेस ना 3 mm कम हुआ है, तो उसकी वजह से हल्का फुल्का फ़र्क आई थिंक पड़ा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं अब ये सही है या फिर नहीं है। बाइक पहले से थोड़ी ज़्यादा स्टेबल लग रही थी मुझे 150 है, क्योंकि मैंने रिसेंटली 3-4 दिन पहले Duke 392 चलाया है, लेकिन एक चीज़ बताऊँ कि पहले से ना 0 से 150 जैसे बाइक जाती है ना, तो उस सिचुएशन में बाइक
पुराने वाले से मुझे थोड़ी बेटर फील हुई, बट 150 के आसपास है उससे ऊपर, मतलब ऐसा लग रहा था कि पुराने वाली वाला ही फील है, मतलब जो स्टेबिलिटी वाला जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, स्टेबिलिटी वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा मुझे वहाँ पे स्टेबिलिटी वाइज। बट अच्छा है यार, बाइक भागती अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है, ये सब अच्छी है बाइक, ये सब अच्छे पॉइंट है बाइक को लेकर। एक चीज़ और है कि सिटी के अंदर मनोवर करने में बाइक मुझे पहले से थोड़ी ईजी लग रही है, जैसे सिटी में मतलब ट्रैफिक है, बार बार इधर उधर टर्न कर रहा हूँ, सिटी ट्रैफिक से निकाल रहा हूँ, तो पहले से थोड़ी सी ईजी लग रही है। और इस इंजन की एक चीज़ बहुत बढ़िया लग रही है मुझे, ट्रैफिक में चला रहा हूँ ना जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में, तो कम स्पीड है, तो कम स्पीड में बहुत बार ना वो ड्यूक बंद हो जाती है पुराने वाली, मतलब मुझसे हो जाती है, अभी आपसे शायद नहीं होती है, बट मुझसे हो जाती है। थोड़े से बड़े गियर में ज़्यादा कम स्पीड कर लेता हूँ, या फिर ऐसे नॉर्मल भी स्टार्ट खड़ी रहती है ना बाइक, तो भी बंद हुई है मेरे से काफ़ी बार वो, बट इसमें अभी तक ऐसी मुझे कोई लग नहीं रहा है, मतलब मस्त चल रही है अभी तक, एक बार भी सिंगल टाइम बंद नहीं हुई है बाइक। और गियर शिफ्टिंग की बात करें तो गियर शिफ्टिंग भी थोड़ी स्मूथ साइड ही है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बट स्मूथ और साइड है, मतलब हार्डनेस नहीं है गियर शिफ्टिंग के अंदर। एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई बाइक के अंदर, मेरे व्हाइट जूते हैं आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो फुटरेस्ट है थोड़ा पास लगे दिखा, इसके पास में जो ये चीज़ दी हुई है ना, ये प्लास्टिक की है, ये बहुत सी बाइकों में, वैसे पुरानी मैक्सिमम सभी बाइकों में एल्युमिनियम की ही होती है, एल्युमिनियम वाला जो फ्रेम है ना, ये इसको थोड़ा ऊपर तक एक्सटेंड कर देते हैं, जिससे कि वो तो ठीक है, वो अपनी जगह वो भी बढ़िया है, बट वो जूते खराब करता है, पता है ये जूते खराब नहीं करते प्लास्टिक वाले, पीछे वाले पे भी प्लास्टिक का है, देख रहे हो पीछे वाले के, अब तेरे जूते भी खराब नहीं होंगे, मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ, अब इसके जूते भी खराब नहीं होंगे, ये भी प्लास्टिक का है, और स्टडी है, अच्छा है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अब एक बहुत ही कमाल की बात दिखाता हूँ इस बाइक की, जो कि किसी बाइक में आपने नहीं देखा होगा, बहुत ही रेयर कोई बाइक होगी, कैमरा मैं अपने हाथ में पकड़ता हूँ, अगर आप इधर नोटिस करते हो ना सस्पेंशन के पास, तो देखना भाई वायर को देखना कैसे मैनेज कर रखा है, मतलब अंदर से वायर आ रही है, उसके लिए एक फ्रेम या फिर एक रबड़ इस तरह से सेट किया गया है कि इससे बाहर ये निकल ही नहीं सकती है, वायर ऐसे नहीं कहीं भी भागी डोल रही है, कहीं वहाँ जा रही है, कहीं वहाँ जा रही है, पुरानी होने के बाद इसकी वायर भाई कहीं कभी नहीं जाएगी। ये जो अटैचमेंट्स आप देख रहे हो सस्पेंशन के ऊपर लगा हुआ है, ये इसी चीज़ का है, इसके अंदर से यहाँ से वायर होते हुए फिर अंदर तक जा रहा है, ये जो है ना रबड़ का अंदर तक जा रहा है वायर, इसी के अंदर सेट है, जैसे अपने घरों के अंदर फिटिंग नहीं करते वायर की, ऐसे फिटिंग कर रखी है प्रॉपर, कहीं मतलब खुला नहीं छोड़ रखा वायर को, आज़ादी नहीं है वायर के पास। और यहाँ पर देखो यार कितने कमाल से ना ये ABS वाली जो वायर है, इसके सेंसर को कितने बड़े तरीके से फिट किया वायर को एक अच्छे फ्रेम के साथ, ये प्लास्टिक का फ्रेम देख रहे हो भाई, इसके बिना भी ये वायर रह सकती थी ऐसे, देख रहे हो मतलब नॉर्मली ऐसी होती, बट छोटी छोटी चीज़ों पे कितना ध्यान दिया है, ये इसके अंदर सेट रहती है जिसके अंदर ये खराब नहीं होगी, जल्दी से टूटेगी फूटेगी नहीं। ये जो वायर मैनेजमेंट का जो कोर्स किया है ना इन्होंने, बहुत ही कमाल का लगा मुझे। और ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है कि जहाँ पर चेसी के अंदर थोड़ा स्पेस बन रहा था ना, वहाँ पर एक अलग से छोटा सा पैनल लगाया गया, जिससे कि अंदर की चीज़ें बाहर ना दिखे, दिखनी भी ना चाहिए ना, तो ये बहुत सी कम बाइकों में इतनी छोटी छोटी डिटेल के ऊपर मैंने ध्यान देते हुए देखा है कंपनियों को, बट इसमें दे रखा है भाई, मतलब हर जगह छोटे छोटे पैनल से, अगर वो कंपनी ना भी देते कोई दिक्कत नहीं है, बट वो इसलिए दे रखा था कि बाइक की लुक खराब ना हो। इसके अलावा यहाँ पर जो हैंडल बार की क्वालिटी भाई वो पहले से बहुत बढ़ चुकी है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, पहले से बहुत अच्छी क्वालिटी का मुझे फील हो रहा है, चाहे वो ग्रिप की क्वालिटी क्यों ना हो, देख रहे हो भाई कैसे दबरी कितनी सॉफ्ट है यार, और स्विचेज की जो क्वालिटी वही पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ भी भाई मिरर की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया लग रही है मुझे पहले से, इनकी विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, मैं रोड के ऊपर चल रहा था ना अच्छे से सब विजिबल था, डिजाइन भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। बस बाइक के अंदर आपको एडजस्टेबल क्लच लीवर देखने को मिल जाता है और एडजस्टेबल आपको ब्रेक लीवर देखने को मिल जाता है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो, आपके हाथ छोटे हैं तो इनको पास कर लेना, बड़े हैं तो इनको थोड़ा दूर कर लेना, मैंने पास कर रखे, छोटे छोटे हाथ हैं ना मेरे, छोटे तो नहीं है बट ठीक है डिसेंट है। अब बाइक के टेल सेक्शन की बात करें जाए तो यहाँ पर आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, टी शेप की है ये। इसके अलावा यहाँ पर साइड में जो छोटे छोटे रिफ्लेक्टर देख रहे हो ना, ये ब्रेक लाइट है, जब ब्रेक लगता है तो ये लाइट भी ऑन हो जाती है, उसके बाद फिर ये लाइट टी शेप की नहीं बचती, फिर ये चौकोर लाइट बन जाती है, उस टाइम ये अच्छी नहीं लगती बट अभी अच्छी लग रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्प्लिट ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाते हैं, कुछ डिजाइन है और डिजाइन थोड़ा पीछे तक भी आ रहा है इनका ना, देख रहे हो लाइट के ऊपर तक भी है, तो ये चीज़ भी अच्छी है, बट ये जो ग्रैब हैंडल है थोड़ा सा सीट के पास हो जाता तो अच्छा लगता है, बट अभी भी मस्त लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो यहाँ पर आपको एल्युमिनियम का सब फ्रेम देखने को मिल जाता है। जो चेसी की बात करी जाए तो बाइक के अंदर आपको ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको सब फ्रेम पूरा एल्युमिनियम का देखने को मिल जाता है, जिससे कि वेट सेविंग हो रही है बाइक के अंदर। और यहाँ पर LED इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, नंबर प्लेट के लिए लाइट आपको देखने को मिल जाती है, और कुछ इस तरीके का मरगार्ड ये काफ़ी चौड़ा रखा है। ये जो रियर मरगार्ड है ना, इसको थोड़ा शार्प डिजाइन के साथ रखना था आई थिंक इनको, और जैसा कि पल्सर में देते हैं ये लोग, उसके बाद फिर यहाँ पे टायर हगर दे सकते थे, वो थोड़ा ज़्यादा लुक इन्हेंस करता, देखने में अच्छा लगता। अब ये मरगार्ड बहुत ही सिंपल लग रहा है, देख रहे हो मरगार्ड डिजाइन देख रहे हो कितना बेसिक लग रहा है, बट बाइक का डिजाइन देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है भाई, कितना खतरनाक, चाहे साइड से देख लो चाहे फ्रंट से देख लो, हर जगह से खतरनाक लग रही है। बस वो मरगार्ड पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा मुझे यार, देख लो
कितना बेसिक समर गार्ड है। अभी एक चीज और बताना चाहूंगा बाइक के अंदर कि इधर जो पहले बड़ा सा एग्जॉस्ट आया करता था ना, वो अब यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ पर अंडरवैली एग्जॉस्ट आ चुका है, पूरा एग्जॉस्ट नीचे। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता, बट मुझे अंडरवैली बहुत ज्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा पसंद है, बट मुझे बहुत पसंद है अंडरवैली एग्जॉस्ट। ड्यूक के अंदर एक चीज और नोटिस करी है मैंने, फर्स्ट जनरेशन थोड़ी छोटी लगती थी, सेकंड जनरेशन और बड़ी लगी, थर्ड जनरेशन उससे भी बड़ी लगती है, और ये वाली बाइक में थोड़ा बिग बाइक वाला फील है, जैसे थोड़ी बिग बाइक नेकेड बाइक चला रहे हो ना, वो वाला फील आ रहा है इसमें। ऐसा लग नहीं रहा कि ड्यूक 390, ऐसा लग रहा है ड्यूक 390 से थोड़ी बड़ी बाइक है, क्योंकि हमें उसकी आदत पड़ गई है ना, जो अपने पुराने वाली ड्यूक 390 थी उसकी आदत पड़ गई है, तो उससे थोड़ी बड़ी लग रही है फील करने में भी, चलाने में भी। और एक इसके सस्पेंशन भाई, वो एक अलग ही टेस्ट दे रहे हैं, वो एक अलग ही मजा दे रहे हैं, वो पता नहीं क्या ही है सस्पेंशन में। और एक सबसे अच्छा पॉइंट ये कर दिया कि इनमें अब एडजस्ट करने का ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से रिबाउंड एंड कंप्रेशन को एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया सॉफ्ट और हार्ड भी कर सकते हो, रियर सस्पेंशन को भी कर सकते हो। तो सस्पेंशन जो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ना भाई, मैंने थोड़ा हार्ड कर रखा है, मैं वही पीछे रुक के वो चेक कर रहा था, हमने वॉक अराउंड शूट किया था तो चेक कर रहा था, फर्क पड़ता है भाई, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ता, काम का फीचर नहीं है भाई, काम का फर्क पड़ता है और फील होता है कि हाँ अभी थोड़े हार्ड है, और कॉन्फिडेंस भी बेटर आता है। अगर आप खराब रास्ते में चलते हो तो थोड़ा सॉफ्टर साइड कर सकते हो, आपके लिए बेटर रहेगा। अब एक और बाइक की मीटर कंसोल और स्विचेस की बात कर लेते हैं, हैंडल बार की। यहाँ पर आपको ये चार स्विच देखने मिल जाते हैं, क्वालिटी मैंने आपको बताई थी बहुत बढ़िया, यहाँ पर लो बीम हाई बीम के लिए और पास के लिए, यहाँ पर हजार लाइट के लिए, हॉर्न के लिए, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर, किल स्विच और ये सेलअप के लिए। अब इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल फीचर्स के बारे में जानना है, मोबाइल कनेक्टिविटी और क्या क्या फीचर्स, सब कुछ फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप वो देख लेना। इसमें बेसिक फीचर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता मीटर कंसोल के बहुत सारे फीचर्स में। तो यहाँ पर इस स्विच से अगर आप मेन्यू में जाते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको मोटरसाइकिल है, राइड मोड है, उसके अलावा ABS, MTC, लॉन्च कंट्रोल। सेकंड ऑप्शन में बाइक इन्फॉर्मेशन आपको देखने मिल जाती है सब चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रिप इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर स्पीड कंट्रोल आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पर नेविगेशन और म्यूजिक सिस्टम के लिए, बट वो आप मोबाइल कनेक्ट करोगे उसके बाद ही काम करेगा। अभी लास्ट वाला जो फीचर उसके अंदर आपको वो सब सिलेक्शन करने के लिए मिल जाता है, आपको फेरेट में क्या क्या रखना है, किक सिलेक्टर क्या क्या रखना है, कनेक्टिविटी के अंदर स्मार्ट किक शिफ्टर, शिफ्ट लाइट, ये सब चीज़ें आप एनिमेशन वगैरह ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो बाइक की। तो ये सब फीचर्स, उसके अलावा लो इंजन ऑयल के लिए, मालवीय फंक्शन लाइट के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, ABS के लिए, और यहाँ पे स्पीड लिमिट का भी एक इंडिकेटर आता है। तो ये सब फीचर्स है, और आपकी बाइक का साइड स्टैंड लगा रहेगा तो यहाँ पर बड़ा सा साइड स्टैंड का इंडिकेटर आएगा, हटाने के बाद वो चला जाता है, स्पीड यहाँ पर आ जाती है, बाकी साइड स्टैंड लगा देंगे तो स्पीड साइड में चली जाएगी, चली जाती है क्योंकि साइड स्टैंड लगा रहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, चलेगी नहीं तो स्पीड क्यों क्या कर रही है यहाँ पे। उसके अलावा फ्यूल रेंज आपको मिल जाती है, डेट, ट्रिप वन, ट्रिप टू, ओडोमीटर, गियर इंडिकेटर और कूलेंट, उनका जो टेम्परेचर वो आप देख सकते हो, कौन से मॉडर्न बाइक वो देख सकते हो। इसमें तीन राइडिंग मोड आपको देखने मिल जाते हैं, स्ट्रीट, रेन एंड ट्रैक मोड। तो बहुत सारे फीचर्स है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है मैंने, वो चैनल के ऊपर जाकर देख लेना, काफी सारे फीचर्स है, सबको एक्सप्लेन किया मैंने सही से। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, बाइक पर कहीं भी KTM नहीं लिख रहा है, देख रहे हो आप, कहीं भी KTM नहीं लिख रहा है, बस KTM का रंग है ऑरेंज, कहीं भी लिख रहा है, दिख रहा है कहीं भी आपको लिखा हुआ, बस एक जगह लिख रहा है छोटा सा यहाँ पर, ठीक है छोटा सा लिख रहा है, बाकी इसके अलावा बड़ा बड़ा KTM पहले लिखती थी ना, वो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल रखा और कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक दूसरा कलर है इस बाइक के अंदर ऑरेंज वाला, वो वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे ये वाला कलर सबसे मस्त लगा, और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको लेना है तो ये लेना, बाकी आपकी चॉइस के हिसाब से डिपेंड करता है, आपको वो अच्छा लग रहा था उसके साइड भी आप जा सकते हो। और अगर बात करें कि इतने प्राइस टैग के ऊपर इस बाइक को परचेज करना वर्थ इट है या फिर नहीं है, तो हाँ डेफिनेटली है भाई, लेकिन हाँ हमेशा मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आप एक नई बाइक परचेज कर रहे हो हमारे बोलने से, तो एक बार आप पहले उसको जाके चलाओ, टेस्ट राइड लो, आपको भी पसंद आनी बहुत ज़रूरी होती है। बाइक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और आपके पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्या पता आप किस चीज़ को किस तरह से सोचते हो, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। वीडियो देखना आपके लिए अच्छा है, नॉलेज हो जाती है बाइक के बारे में, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है, चाहे किसी भी यूट्यूबर या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसर की आप वीडियो देखो, उसमें कोई दो राय नहीं है, आपको देखनी भी चाहिए, आपको पता भी लगना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं बाइक के अंदर और लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन आपको भी एक बार आपका टेस्ट समझना होगा, आप शोरूम जाइए, बाइक की टेस्ट ड्राइव लीजिए, और आपको लगे कि मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग बाइक तगड़ी है तो भाई ले लेना, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, ध्यान रखो ना, मस्त रहो, खुश रहो यार।